हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से, और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की साइंस के ऊपर, कक्षा नौ विज्ञान के ऊपर। अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग जिन बातों को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप उन बातों को अभी भी रिवाइज कर रहे होंगे घर में, और आपको बातें याद होंगी, दिमाग में होंगी। चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर दिया जाए तो हम चाल पढ़ चुके हैं, वेग पढ़ चुके हैं, दूरी पढ़ चुके हैं, विस्थापन पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हम त्वरण को भी समझ चुके हैं। यानी कि बच्चों, अगर मैं बात करूं तो ये जो आप पांच यूनिट्स आप पढ़ रहे हैं, पांच जो फिजिकल क्वांटिटीज आपने नई राशियां पढ़ी हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं इस सेशन के लिए और आगे सेशन के लिए भी। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में त्वरण के कुछ न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करते हैं, और इन न्यूमेरिकल्स को आप अपनी कॉपी में भी सॉल्व कीजिए। जो बातें हमने पिछली क्लास में करी है, सूत्र वही रहने वाला है, बातें वही रहने वाली हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा चेंज होने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन और हेल्थी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। क्लास स्टार्ट करने के लिए आप लोग अपनी पोजिशन ले चुके होंगे और आपके हाथ में कॉपी और पेन तो हो गई है ना, चीजों को नोट डाउन करने के लिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ और समझते हैं आज की बातों को। चलिए डियर स्टूडेंट्स, रिवाइज करते हैं अपनी पिछली क्लास को। पहले जो सूत्र हमने पढ़े थे पिछली क्लास में, उनको देखते हैं एक बार। क्या पढ़ा था हमने आखिर? हमने ये बातें पढ़ी थी, आपको याद होंगी, त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण के जो सूत्र हैं हमने वो भी पढ़े थे, है ना। इनके ऊपर अगर नजर डाली जाए तो a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन t और a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर त्वरण की दिशा और वेग की दिशा दोनों समान हो तो वो धनात्मक त्वरण कहलाएगा, लेकिन यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में हमें देखने को मिलेगा तो वो ऋणात्मक होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पर ब्रेक लग रहा होगा या गति धीमी कर रहे होंगे, वहां पर त्वरण ऋणात्मक होगा। इस बात को आप दिमाग में बिठा के चलिए, ठीक है। चलो, सूत्र आपको समझ में आ गया है, चलिए चलते हैं आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। ओके, आई थिंक इन क्वेश्चंस को तो हम कर चुके हैं पहले, हमारे आज के क्वेश्चन है ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन है, किसी वस्तु के बारे में आप कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है, वह असमान गति से त्वरण में है, असमान त्वरण से गति में है। एक समान त्वरण और असमान त्वरण की परिभाषा मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। इसके पीछे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है, त्वरण का सीधा सीधा लेना वेग से है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अगर वेग जो है वो समान दर से बढ़ेगा या घटेगा, समान दर से बढ़ेगा या घटेगा, तो उसे हम एक समान त्वरण कहेंगे, ठीक है। और अगर वेग की जो परिवर्तन की दर होगी वो असमान होगी, यानी वो असमान दर से बढ़ेगा या घटेगा, तो उसे हम असमान त्वरण कहेंगे। तो इसमें लिख लेते हैं हम लोग आंसर इसका, पहले क्वेश्चन का इन शॉर्ट लिख लेंगे, बाकी हम तो इसको ऑलरेडी लिख चुके हैं। समान समय में समान विस्थापन, वेग का सीधा सीधा संबंध किससे है, विस्थापन से है ना। तो समान समय में समान विस्थापन होगा, करने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है, समान समय में समान विस्थापन करने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है, ठीक है। तो एक समान त्वरण हम उसमें कहेंगे। सेकंड है, असमान त्वरण हम कब कहेंगे, जब वेग समान रूप से नहीं बढ़ रहा है या नहीं घट रहा, ठीक है, या फिर हम ये कहेंगे समान समय में समान विस्थापन नहीं होगा। तो ये फर्स्ट का आंसर मैंने लिखा है यहाँ पर, सेकंड का आंसर आप इसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, समान समय में समान विस्थापन न करने वाली वस्तु का त्वरण असमान होता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि जब वेग परिवर्तन की दर असमान हो तो उसे हम असमान त्वरण कह सकते हैं, कि वह वस्तु असमान त्वरण से गति में है। आई होप बातें समझ में आई होंगी।
क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो बात कही गई है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और अगर आप इस क्वेश्चन में दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है, जरा सोचिए मेरे साथ बातों को, क्या हो रहा है यहाँ पर, किसी की समझ में आई बात? बस की स्पीड पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बस की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, 80 से 60 हो गई, मतलब कम हो गई। अब अगर बस को उनको स्लो करना है भाई, अगर बस के ड्राइवर को बस की स्पीड स्लो करनी है तो क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, है ना, ब्रेक लगा के तो स्लो करेंगे, और ब्रेक लगाना मतलब माइनस में आएगा इसमें एक्सेलरेशन, ऋणात्मक आएगा, बात समझ में आ रही है, इसमें जो त्वरण होगा वो ऋणात्मक होगा। अभी यही बात समझाई गई थी आपको कि अमूमन जब ब्रेक लगेगा या फिर गति स्लो की जाएगी, गति धीमी की जाएगी, तो वहां पर त्वरण ऋणात्मक आएगा, त्वरण धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक वाला केस ये वाला केस है, आपको ये बात क्वेश्चन पढ़ के समझ में आनी चाहिए। मतलब मुझे एक बात क्या पता लग गई, आंसर जो भी आएगा वो ऋणात्मक आएगा, आपको ये बात पहले ही पता लग गई। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं, लिखिए सॉल्यूशन मेरे साथ साथ, लिखिए सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो चीजें हमें दी हुई हैं उनको करते हैं नोट डाउन। तो हमें क्या दी हुई है, बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी पहले, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। कल की क्लास में हम समझ चुके हैं इन चीजों को, एक दो क्वेश्चन कर भी चुके हैं। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को किससे निरूपित करते हैं, यू से। कितना था पहले वेग, 80 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग था। उसके बाद अंतिम वेग कितना रह गया, अंतिम वेग तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, है ना, इनको इस प्रकार से लिखिए। ठीक, और कितने समय में हुआ, कितने समय में, तो समय यहां पर लिखेंगे t इज इक्वल टू 5 सेकंड में, 5 सेकंड में, बात समझ में आ रही है। अब आप कहेंगे कि सर हम क्या करते हैं, यहां पर सूत्र लगाते हैं a बराबर v माइनस u अपॉन t, और सूत्र में वैल्यू रखते हैं v और u और t की, और हमारा आंसर आ जाएगा, तो आप गलत, यहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है, जरा एक चीज समझिए, हम क्वेश्चन में वैल्यू रखने से पहले, मान रखने से पहले कुछ चीजों को चेक करते हैं। समय किसमें दिया हुआ है, सेकंड में, यहाँ घंटे घंटे में दिया हुआ है, तो समय का हमको मात्रक जो है, समय अगर इसमें दूरी है, समय है, सबका मात्रक एक जैसा होना चाहिए, तो सेकंड है मात्रक समय का, यहाँ यहाँ समय हम घंटों में ले रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत है, हमको क्या करना है, इसको सेकंड में लेना है। तो मैंने आपको बता रखा है किलोमीटर प्रति घंटे को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, 1000/3600 करके, कैसे करेंगे, सॉरी 80 × 1000/3600, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसका सीधा सीधा सूत्र याद रख दीजिए, 5/18, 5/18, ठीक है, 5/18। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा कुछ, 2 से काटो इसको, 40 × 2 = 18, तो 4×5 = 20, 200/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऐसे ही हम इसको भी निकालेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 5/18 से 2 × 30 = 2 = 9, तो ये आ गया 3×5 = 15, 150/9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या है हमारे पास, निकालना क्या है, त्वरण, तो त्वरण का सूत्र क्या होता है, ए इज इक्वल टू वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटे समय टी। वेग में परिवर्तन आप कैसे निकालेंगे, वी माइनस यू करके, तो वी माइनस यू मैं यहां साइड में कर ले रहा हूं, वी माइनस यू यहां किनारे पे कर ले रहा हूं, वी कितना है हमारे पास, वी है 150/9 और यू कितना है, 200/9, 150/9 में से 200/9 गया तो बचा 50/9,
150 में से 200 किया 50, बटे में 9 तो दोनों के, लेकिन माइनस का 50, 200 बड़ा है, तो 50 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन मैंने निकाल लिया। वेग में परिवर्तन कितना आया, 50 माइनस 50 बटे 9, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, तो हमारा जो फाइनल आंसर आना है, वेग परिवर्तन कितना आया भाई, माइनस 50 बटे 9 बटे समय कितना है हमारे पास, 5 सेकेंड, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 50/9, और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1/5 हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन करनी इस प्रकार से होगी, तो आया माइनस 10/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम त्वरण लिख रहे हैं, तो त्वरण कितना आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, ठीक। अदरवाइज आप इस आंसर को पॉइंट में भी लिख सकते हो, 9 एकम 9 पॉइंट, यहां पे लिख लो 9 एकम 9 माइनस लगा करके पॉइंट 10, 9 एकम 9 9 एकम 9 1.111 आएगा, ये आया है हमारे त्वरण का मान, ये हमारा आंसर है। आया आपको समझ में, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमारे दिमाग में सारी बातें जो हमने सीखी हैं अब तक वो चलनी चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं चल रही है तो आप क्वेश्चन एक बार दो बार तीन बार पढ़ें, और जो पीछे पढ़ा है उसमें उस चीज को ढूंढने की कोशिश करें कि हमें ये कहां पर चीज बताई गई थी जो हमें क्वेश्चन में पूछी जा रही। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को फटाफट से, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो बस का त्वरण है माइनस 1.11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि बस की गति जो है धीमी हो रही है। इसके अलावा ये एक और बात दर्शा रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, ये वाला पॉइंट, त्वरण ऋणात्मक कब होगा। यहां पर हम ये भी देख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि त्वरण व वेग की दिशा परस्पर विपरीत है, त्वरण वेग की विपरीत दिशा में है, ठीक हो गया। जब स्पीड स्लो की जाती है, ब्रेक मारा जाता है, तो त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो गया, अब दोबारा से चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया माइनस 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया, चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी तक किसी को कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यहां पर काफी बच्चे ये बोल सकते हैं, सर हमें तो एक ही वेग दिया हुआ है, सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटे। त्वरण निकालने के लिए हमें वेग में परिवर्तन दो वेग चाहिए होते हैं, प्रारंभिक वेग भी चाहिए होता है, अंतिम वेग भी चाहिए होता है। यहाँ इन्होंने सिर्फ एक ही वेग दे रखा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे, ऐसे कैसे हो पाएगा। तो अगर आपने मेरी पिछली क्लास की बात सुनी होगी, ध्यान से आप बात क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें आपको दोनों वेग दिए हुए हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, मतलब कि चलना शुरू कर रही है अभी, तो प्रारंभ में गाड़ी कैसे रुकी हुई, और जब गाड़ी रुकी हुई होती है तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो लेते हैं, शून्य लेते हैं, ये बात पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। जब गाड़ी विरामावस्था में हो, या चलना प्रारंभ कर रही हो, या रुक कर चल रही हो, पहले रुकी हुई थी अब चल रही हो, तो प्रारंभिक वेग शून्य लिया जाएगा, ठीक। तो प्रारंभिक वेग शून्य हो गया, अंतिम वेग हमें दे रखा है, समय दे रखा है, आगे बात समझ में, तो त्वरण निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करना करते हैं स्टार्ट। लिखेंगे मेरे साथ सभी सॉल्यूशन। अभी मैं प्रारंभिक वेग वगैरह नहीं लिखूंगा, यू लिख रहा हूं। यू इज इक्वल टू जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि गाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ कर रही है, रुकी हुई गाड़ी चल रही है, ठीक है, पहले रुकी हुई थी, रुकी हुई में वेग जीरो होता है, ठीक, प्रारंभिक वेग हो गया जीरो। अंतिम वेग की बात की जाए तो ये हमें दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटे का, और समय की बात की जाए टाइम, तो ये हमें दिया हुआ है 10 मिनट का,
अब आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पर रुक जाएंगे, आप बोलेंगे सर यहाँ पर समय हमको मिनट में दिया हुआ है, यहाँ घंटे में बात की जा रही है, तो ये गड़बड़ है, हमको पहले इसको एक जैसा बनाना है। तो चलिए ऊपर हम स्पीड को मीटर पर सेकंड बनाते हैं और नीचे समय को सेकंड में लिख लेते हैं। तो 40 × 5/18 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए, है ना। तो 40 × 5/18 मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 से कटेगा 20 बार, 2 × 9 = 18, 20×5 = 100/9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक। और समय की बात की जाए तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 600 सेकंड हो जाएंगे। अरे 1 मिनट में 60 सेकंड होते तो 10 मिनट में 600, 100 मिनट में 6000, ठीक है, एक जीरो ही तो लगाना उसके पीछे। अतः जो त्वरण होगा त्वरण ए, एक्सेलरेशन ए, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अंतिम वेग, ये वाला सूत्र लगा रहा हूं मैं आपकी बार, ठीक है, आप वाला सूत्र से भी कर सकते हैं। अंतिम वेग को किससे दर्शाते हैं, v से, माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को हमने किससे दर्शाया है, u से, बटे समयावधि, समय t, ठीक है, बटे समय t। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। a इज इक्वल टू अंतिम वेग कितना है भाई, अंतिम वेग है 100/9, प्रारंभिक वेग कितना 0, 100/9 - 0, बटे समय कितना 600, तो 100/9 में से 0 गया तो 100/9 आ जाएगा, है ना, 100/9, और ये अपॉन का 600, 1/600 बन जाएगा, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन। तो ये आया 9654, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मात्रक जरूर लिखेंगे। और अगर अब मैं इसको डिवाइड करूं तो इट विल बिकम 0.0185 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आया अपना आंसर, वरण आया 1/54, 1/54 जो आप सॉल्व करोगे, 1/54 करोगे तो 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 10 मिनट के हिसाब से त्वरण देखा जाए तो ये इतना निकल के आ रहा है। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर समय कम होगा, अगर हमसे 5 मिनट में पूछा जाता 5 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, तो त्वरण ज्यादा आता, ठीक है, और अगर समय और कम कर दिया जाता तो त्वरण और ज्यादा आता। देखना चाहेंगे इस बात को, इस बात को आप चेक करना चाहेंगे, चलिए चेक करते हैं इसको, देखो कैसे। अभी मैं समय क्या कर रहा हूं, समय मैंने बढ़ा दिया, समय मैंने क्या कर दिया, समय मैंने बढ़ा दिया, ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू 100/9 अपॉन 600 सेकंड था ना, मतलब 10 मिनट था, 1 मिनट कर देते हैं, 1 मिनट में अगर इतना त्वरण हो गया मतलब 6 मिनट, 60 सेकंड, 1 मिनट मतलब 60, 10 मिनट को मैंने क्या कर दिया, 1 मिनट कर दिया, समय कम कर दिया, ठीक। अब देखो यहां से कितना फर्क पड़ने वाला है, 100/9 × 1/60 हो जाएगा, 10/54 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा लगभग 0.185, मतलब 10 गुना ज्यादा आ रहा है, क्या समझे आप, 10 गुना ज्यादा आ रहा है, आपकी बात त्वरण कितना ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा। और कम कर दो इसको, इसको मैं 6 सेकंड कर देता हूं, सिर्फ 6 सेकंड रखता हूं, तो ये हो जाएगा 100/6, 100/54, और 100/54 करोगे तो ये आएगा
0.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब है त्वरण का जो संबंध है समय से वो कुछ इस प्रकार है, अगर आप समय कम करोगे तो त्वरण भी जो है उस हिसाब से बढ़ेगा। त्वरण क्या होगा? बढ़ेगा। हमने समय को 10 गुना कम किया तो त्वरण भी 10 गुना बढ़ गया। देखा हमने अभी अभी, है ना, समय को हमने 6 सेकंड करा तो त्वरण 100 गुना हो गया। आई होप आप इन बातों को समझ पा रहे हो डियर स्टूडेंट। तो ये था हमारा अब तक का कॉन्सेप्ट, अब तक हम जिन बातों को समझे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखेंगे हम, इस क्वेश्चन का आंसर भी पुट अप कर लेते हैं यहाँ पर। जीरो पॉइंट 018 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करके आप इनको घर में दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। और एग्जाम, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने लायक, तो आप इनको जरूर सॉल्व करें। अब तक डियर स्टूडेंट्स हम लोग इस चैप्टर में जो बातें पढ़ चुके हैं उनको अगर मैं आपको बताऊं तो हम सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया था दूरी के बारे में, विस्थापन के बारे में, कब, जब वस्तु जो है सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है, जब वस्तु की गति कैसी है, सरल रेखीय गति। ठीक है, चाल पढ़ा था, वेग पढ़ा था, अभी हम त्वरण को भी कवर कर चुके हैं। ये जो राशियां मैंने यहां पर लिखी है बच्चों, इनके बारे में आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे आने वाली क्लासेस के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इन चीजों को मैं जो यहां पर लिखी है, अब तक जो बातें हो चुकी हैं, ये सारे इनकी परिभाषाएं, इनके मात्रक, इनको किस चीज से दर्शाते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर होने चाहिए। क्योंकि अगले पार्ट जिसमें हम जा रहे हैं, इसके बाद हम जिस पार्ट की बात करेंगे, वो पार्ट आपका थोड़ा सा मैथ्स के एक दूसरे ब्रांच में आता है जिसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको चीजें जो होंगी वो डिफरेंट मिलने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए यहां तक जो पढ़ा इसको यहीं पे क्लियर करो, इसके बाद की चीज जो हम पढ़ेंगे वो आपको नई लग सकती है, वो आपको न्यू लग सकती है। इसीलिए आपने जो यहाँ पर तक पढ़ा था इसको यहीं पर आप कवर अप करके कंटिन्यू कर दो। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, गति का ग्राफीय प्रदर्शन, गति का ग्राफीय प्रदर्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन सर। डियर स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं गति को आप किस में निरूपित करेंगे, ग्राफ में। मतलब गति को आप सिंपली एक ग्राफ पेपर के ऊपर आप निरूपित करने वाले हैं। ग्राफ पेपर में क्या होते हैं, दो अक्ष होते हैं। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लीजिए इसका, और इस तरीके से आपको दो अक्ष मिलेंगे ग्राफ में, एक होता है हमारा एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, है ना। ये सारी बातें तो हम जानते ही हैं। तो सरल रेखीय गति को इन दो अक्षों के ऊपर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, इन दो अक्षों में हम लोग बता सकते हैं ग्राफ के ऊपर।
ठीक है, एक अक्ष पर हम लोग क्या लेंगे, दूसरे अक्ष पर क्या लेंगे, ये ग्राफ जो है भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि दूरी समय ग्राफ, अगर हम एक अक्ष पे दूरी लें दूसरे समय पे समय को लें, एक अक्ष पर हम वेग लें दूसरे समय पर वेग समय, एक अक्ष पर हम वेग लें और दूसरे अक्ष पर हम समय लें, ठीक है। तो ये दो ग्राफ जो है हमको पढ़ने हैं, ये दो ग्राफों के बारे में हमको पढ़ना है, कौन कौन सा, दूरी समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। में लिख देता हूं यहां पर हमको क्या पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं इसे, एंड वेग समय ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगली क्लास में हम इसको पढ़ने वाले हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है, और अब तक जो बातें बताएगी उनको आप यहीं पर क्लियर कर दीजिए। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने आज कुछ नया जरूर सीखा होगा। हम अगली क्लास में गति के ग्राफीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन को समझना स्टार्ट करेंगे। अनदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पास, बेसिक लेवल से स्टार्ट हो रहा है अभी आपके पास, तो अभी इन चीजों को आप समझ जाएंगे, आगे आने वाले टाइम में आपको समस्या नहीं रहेगी। इस पर हम सारे जो भी इसके टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड सभी बातों को डिस्कस करेंगे, गति के समीकरण हम पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी हम इस चैप्टर के बाद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ जो बातें आपको बताई गई वो समझ में आए होंगे, आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, घर जाकर आप इसे एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।